का जितना भी एरिया है हमारा, जहाँ तक भी लोगों की किसी भी दवाई की, मेडिसिन की, जो भी मदद, ऑक्सीजन से लेके जो भी हमारे जुम्मे लगाएंगे, हम 100 का 100 पक्का उतरेंगे। ये 500 किट ही नहीं मैडम, ने अगर 1000 किट की और डिमांड करी तो वो भी पहुँचेंगे एक एक लोग। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। पूरा विश्व ग्लोबल पेंडेमिक की सेकेंड वेव से थर्रा रहा है और हम भी यानी कि COVID-19 की वेव से थोड़ा सा चौकन्ना रह रहे हैं। इसका संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 3 महिला एम्पावरमेंट की ऐसी डॉक्टर्स ऑफिसर्स हैं, वन बाय वन गिनाता हूं। डॉक्टर प्रियंका सोनी, ही इज अडोनिंग द चेयर एज ए DC, डिप्टी कमिश्नर। CMO मैडम डॉक्टर रत्ना भारती और हमारे ही पुलिस जिले की डॉक्टर नितिका गहलोत, और तीनों ने ही ये कमांड संभाली हुई है कि जिले में संक्रमण कम से कम हो और कैसे इसकी सेकेंड वेव को थर्ड वेव में ना बदला जाए। बहुत अपराइट रह के और दिन रात यानी कि मेहनत करती हैं इस COVID-19 की सेकेंड वेव को थर्ड में ना बदला जाए और इसे यहीं ब्रेक किया जाए। ऐसे में कुछ वार वॉरियर्स भी उभर के आते हैं। मैडम की वर्किंग देखी हमने, शी इज अ डॉक्टर यानी कि MBBS के बाद IPS में हुई और खुद यानी कि अपने हुनर को और अपने पोटेंशियल के साथ फील्ड में जाती हैं। ऐसे में कुछ वार वॉरियर्स भी उभर के आते हैं। नरेश यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने मैडम, मैं बता दूं कि एक ढाना कला विलेज है, उसको मॉडर्न विलेज बनाया, उसको पूरा सैनिटाइज करवाया। आप देखेंगे तो आपको एक अलग सी झलक लगेगी। और आज एक ऐसा नोबल काज करने जा रहे हैं एक वार वॉरियर की तरह कि 500 किट जो है पुलिस डिपार्टमेंट को, मैडम को, सिगरेट हैंड्स को देने जा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में भागीरथ कार्य है। मैं मैडम से जानूंगा कि मैडम नरेश यादव जी डिपार्टमेंट को 500 किट दे के जा रहे हैं, वो तो आपने चेक भी किया होगा कि इसमें एक थर्मामीटर भी है और क्या क्या है इसमें। जी मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी नरेश यादव जी का और ऐसे बहुत सारे जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं जो इस पैंडमिक के वक्त प्रशासन के साथ मिल के न केवल मटीरियल बल्कि अपना जो टाइम है वो भी हमें दे रहे हैं और हमारे साथ ये पैंडमिक को लड़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं। इसी कड़ी में नरेश यादव जी ने, जो धाना खुर्द के फादर सरपंच रहे हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 500 किट्स हमें दे रहे हैं जो कि हम आसपास के गांव में ही यूज़ करेंगे। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम सहायता प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। इन 500 किट्स में थर्मोमीटर्स हैं, जो बेसिक मेडिसिन हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, और जिंक टैबलेट्स हैं जिनसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कोरोना से लड़ने की शक्ति आती है, इस तरीके की टैबलेट्स हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स वगैरह भी हैं इसमें, और जो एंटीवायरल ड्रग हैं कुछ वो भी हैं, और पैरासीटामोल वगैरह की टैबलेट्स हैं जो बेसिक जो शुरुआती लक्षण हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा मास्क इन्होंने काफ़ी मात्रा में हमें दिए हैं जो कि हम यूज़ करेंगे आसपास गांव के लोगों को या झुग्गी झोपड़ी के लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे। मैडम लॉकडाउन यानी कि महामारी लॉकडाउन जिसे कहा है, अलर्ट लॉकडाउन चल रहा है, और मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूँ। शहर के अंदर बहुत आज कम केसेस आए हैं, 5 ही केस हैं हांसी के अंदर। इट इज़ यानी कि ये एक असर है लॉकडाउन का कि लोग बात पालना करें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, कुछ एक ऐसे न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं जिनको इतना ज्ञान नहीं है वो लॉकडाउन का। जी बिल्कुल, लॉकडाउन हमने जनता के हित दो गांव में अभी आपने जी देखा जी, जी 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 देखिए हांसी शहर में, हिसार शहर में लॉकडाउन जो है वो जनता के हित के लिए लगाया गया है। इसी कड़ी में हमारे ऐसे कोविड वॉरियर्स हैं जैसे सरपंच साहब हैं, नरेश जी हैं, इस तरीके से काफी लोग आए हैं जो कि पालना कर रहे हैं और आसपास लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। मेरे साथ हैं नरेश यादव जी, जिन्होंने एक ऐसा मॉडल विलेज बनाया है ढाना को जो दर्शनीय है, जिसको दूर दूर से एक पर्यटन स्थल बना दिया है, और आप वॉरियर की तरह उभर कर आए हैं। ऐसी
500 किट आज आपने पुलिस डिपार्टमेंट, मैडम डॉक्टर नितिका गहलोत जो सुप्रिटेंडेंट पुलिस हैं हांसी ज़िले की, उनको अपने कर कमलों से दी हैं, कैसा महसूस करें नरेश जी? बंसल साहब, सबसे पहले तो मैं हांसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ कि हांसी की आवाज़ की जो टीम है वो भी एक कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रही है। और आई एक्नॉलेज इट, यस। तो ये जितना भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, आप लोगों की तरफ, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, आप लोगों की वजह से ये हर, आज ये किट के बारे में यहाँ आपने जो बताया, ये बहुत लोगों तक पहुँचेगी। ज़रूरतमंद लोग हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करके इनको पा सकते हैं। दूसरा, मैं सबसे, हम खुश नसीब हैं, हमारे ग्रामवासी भी और हमारे शहरवासी भी। ग्रामवासी तो इसलिए खुश नसीब हैं कि हमारा गाँव देश का नंबर वन गाँव बनने जा रहा है, और दूसरा शहरवासी इसलिए हैं कि मैडम खुद डॉक्टर हैं और इन्होंने पूरा का पूरा, मैं गुड़गांव में रहता हूं, वहां भी मेरे पास बहुत बार मैंने लोगों से कॉन्टेक्ट किया, मैडम खुद हमारे गांव में जिस जिस गांव में जहां भी केस बढ़े हैं, मैडम ने खुद वहां पहुंच के लोगों तक एक एक मतलब शो फ्लोर पे भी जाती बहुत जबरदस्त, मतलब मैं, मेरा मोटिवेट होने का, यहाँ काम करने का सबसे ज़्यादा, अगर मैं इम्प्रेस्ड हूँ मैडम की मेहनत से हूँ कि इतने बड़े अफसर हो गए और सबको संभाल रहे हैं और कुछ भी गांव तक एक एक बच्चे तक पहुंच रहे हैं। मैडम के बारे में दो शब्द कहूंगा, ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर और जीरो ग्राउंड के ऊपर, डाउन टू अर्थ भी हैं। यस यस यस। तो मैंने सोचा बंसल साहब, कोरोना के पिछले, कोरोना के जो पहला हमारा फेज आया था उससे लेके आज तक हमने गुड़गांव के अंदर भी 3000 किट्स हमने लोगों तक पहुँचाई हैं, राशन पहुँचाया है, सब हम पिछले टाइम से ही लगे हुए हैं। तो मुझे ये लगा कि मैडम जब इतना हमारे गांव में खुद गए हैं, मैडम मेरे को भाइयों से पता चला कि मैडम यहाँ आए हैं कि एक बंदे को संभाल रहे हैं, तो मैंने इच्छा जाहिर की मैडम हम किसी भी काम आ सकें, एक भी बंदे के तक हमारी किसी भी तन मन धन की सेवा पहुँच सके तो हम खुश नसीब होंगे। और डिपार्टमेंट का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे मतलब टाइम में इतने जो बेकार हालात हमारे कोरोना के थे, आज हांसी में बिल्कुल सुधार की तरफ है और इसका पूरा श्रेय मेरी तरफ से मैडम को जाता है। जरूर कुदरत के साथ किसी ने छेड़छाड़ की होगी, वरना आज हमें गंगा जल की बजाय अल्कोहल से हाथ नहीं धोने पड़ते। मैं सैल्यूट करता हूं मैडम आपको, मेरी हांसी की आवाज़ की पूरी टीम की ओर से और आपके पूरे स्टाफ को, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट को, कि आप वार वॉरियर की तरह काम करते हैं। और एक ऐसे फिलंथ्रोपिस्ट दानवीर करण को भी सैल्यूट करता हूं कि जो आपने इतना, यानी कि जखीरा, जो जिसे मैं कहूँ कि एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी के अंदर जो किट यानी कि मैडम को दी है, जो आगे फर्दर यानी कि जो नीडीज हैं उनके पास पहुँचाएगी। मैडम को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हांसी शहर के अंदर पूरे हांसी का जितना भी एरिया है हमारा, जहाँ तक भी लोगों को किसी भी दवाई की, मेडिसिन की जो भी मदद, ऑक्सीजन से लेके जो भी हमारे जुम्मे लगाएंगे, हम 100 का 100 पक्का उतरेंगे। ये 500 किट ही नहीं, मैडम ने अगर 1000 किट की और डिमांड करी तो वो भी पहुँचे। मैडम, यू आर एक्नॉलेजिंग इट। हमने एक्चुअली इनसे डिमांड अभी कम ही करी थी। अच्छा। काफ़ी मदद करने के लिए तैयार थे, तो हमने पहले फॉर द स्टार्टिंग हमने यही डिमांड की थी। बाकी जैसे यू आर हैविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीमीटर आल्सो, या हां ऑक्सीमीटर वगैरह सब जो आम जनता को जरूरत है हम वहां पे पहुंचाने का, आपके महफिल से हम, दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा।